जय माता दी। दोस्तों मैं पुष्पा देवी करती हूँ आज के दिन की शुरुआत। दोस्तों आज की वीडियो की शुरुआत मेरी हो रही है 5 बजे से। दोस्तों मैं आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों हम भी स्वस्थ हैं। आपको सोमवार की हर हर महादेव। तो दोस्तों आज हमारे वहाँ भागवत कथा की 6ठा दिन है। दोस्तों प्रभु विष्णु नारायण की कृपा से दोस्तों मैंने घर के मंदिर में पूजा पाठ कर ली है, झाड़ू पोछा लगा लिया है, तुलसी माँ पे और सूर्य देव को जल अर्पण करके दीप जला लिया है। और अब मैं जा रही हूँ भागवत में दीप प्रज्वलित करने, कलश की और भागवत की पूजा करने। तो चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। मेरे साथ वीडियो में आगे बने रहिए। दोस्तों आज है 1 अप्रैल, आज है बच्चों का स्कूल जाने का 1st डे। अमन स्कूल जा चुका है, गरिमा को मैं छोड़ने जा रही हूँ। गरिमा मेरे साथ है। गरिमा कैसा लग रहा है इतने दिनों बाद स्कूल जाने में? अच्छा। जोर से बोल। अच्छा। बुक्स वगैरह हैं दोस्तों? अभी हमने बुक्स नहीं ली हैं, आज मिलेगी या कल मिलेगी, आज कल में ले लेंगे। और आज मौसम की बात करते हैं तो मौसम बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा क्या ठंडा है, हवा चल रही है तेज़ी से। पक्षी ये देखिए, पीपल के पेड़ के सारे पत्ते झड़ चुके हैं, अब नए पत्ते आएंगे। पक्षी ची 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 कर रहे हैं। आज थोड़ा सा कोहरा कोहरा लग रहा है, पता नहीं क्या है ये, पॉल्यूशन है क्या है, धुंध है, धूप भी है हल्की हल्की। अब हम चलते हैं स्कूल, बहुत दिनों बाद मेरी वॉक हो रही है। चल जल्दी, बाय। तो दोस्तों दोपहर के 1 बज चुके हैं, मैंने दिन का खाना वगैरह बना लिया है। मैंने बनाया है कढ़ी चावल, जिसको पहाड़ी में कुमाऊँ में झोई भात कहते हैं। दोस्तों झोई भात बनाया है। तो बहुत साउंड आ रहा है पीछे से, सामने वाले उन्होंने डैग चलाया है, अंदर बात करती हूँ। तो दोस्तों मैंने आज बनाए हैं कढ़ी चावल। आज गरिमा की छुट्टी होगी 1:30 बजे, आज से 1:30 बजे छुट्टी होगी। तो मैं अब उसको निकलने वाली हूँ लेने के लिए, और उसके बाद हम खाना वाना खा के जाऊँगी भागवत में। दोस्तों अब भागवत सिर्फ 2 दिन की रह गई है, आज और कल। दोस्तों ये 7 दिन कैसे प्रभु की आराधना करते हुए बीत गए, भागवत गीता सुनते हुए बीत जाएंगे पता ही नहीं चला। भगवान करे ये भागवत हमें सुनने को हमेशा मौका मिलता ही रहे प्रभु आपकी कृपा से। और परसों होगा भंडारा, हवन होके जिन्होंने कलश उठाया था उन सबको कलश मिल जाएगा। और अमन भी आएगा 2 बजे, और उसके बाद हम चलेंगे भागवत में खाना वाना खाने के बाद। तो थोड़ी देर में मैं जाऊंगी गरिमा को लेने के लिए, और आगे दोस्तों वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। दोस्तों फिर से वही रूटीन, वही दिन शुरू हो गए हैं दोबारा से। मैं जा रही हूँ गरिमा को लेने, 1:15 पे निकल चुकी थी, 1:20 हो गए हैं। दोस्तों धूप है लेकिन हवा भी है। देखते हैं आज का गरिमा का दिन कैसा बीता, कौन सी क्लास में बैठी है, ऊपर या नीचे। दोस्तों 1:30 तो बज चुका है लेकिन अभी छुट्टी नहीं हुई है, सारे पेरेंट्स खड़े हैं। इस बार तो ड्राइंग बनाई हुई है स्कूल के बाहर वॉल पे। Thank you.
कैसा रहा आज का दिन? फर्स्ट डे कैसा था? फर्स्ट डे बता कैसा रहा? बता देख, बता नहीं रहा। कैसा रहा? अच्छा अच्छा रहा। जहाँ हाथ पैर धोने पहले खाना चाख रहे। Let's go on. Let's go on. Let's go on. Let's go on.
एक रिफाइंड तेल, मंगले विहार 10 किलो आटा, केसर चीनी, दीपाजी, ठाकुर जी के चरणों में बजाय से मना रही है। इन सभी भंडारा जिन परिवारों ने सेवा दी है ठाकुर जी के चरणों में, उनका नाम चतुर्य के भागी बने हैं, व्यास जी महाराज के समक्ष रख रहे हैं, ठाकुर जी के चरणों में रख रहे हैं। 2100 रुपये श्री बुलेश कुमार राजपूत जी कैलाशपुरी से ठाकुर जी के चरणों में ये धनराशि 8 से 50 रुपये कनिष्ठ, नंगली ब्याज नंबर 1 से 500 रुपये नेहा जी, नंगली ब्याज नंबर 1 से 50 रुपये प्रियंका जी, नंगली ब्याज नंबर 1 से 51 रुपये नेहा जी, नंगली ब्याज नंबर 1 से 500 रुपये की सेवा ये परिवार भंडारे में दे रहा है। गली नंबर 4 से 50 रुपये दोस्तों, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। एंड जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, मैं पुष्पा देवी मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में। तो जब तक के लिए जय माता दी दोस्तों, जय श्री राधे राधे।